टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम आपको पहाड़ पे ले चलते हैं। पहाड़ पे जब ठंडी होती है तो आप जानते हैं कि बहुत सारी बर्फ जो है जाती जम जाती है रास्तों में। तो रास्तों में जो है जो बर्फ जमी हुई उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। तो जैसे ही नमक छिड़क देते हैं वो सॉल्वेंट फ्रीज होता है, ठीक है भाई। पानी क्या है, सॉल्वेंट, वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर जो है नमक ऊपर देते हैं तो जो हिमांक है यानी जो तापक्रम है वो कम हो जाता है और बर्फ जो है तेजी से गल जाती है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई 0 डिग्री पे जो अगर तो हो रहा है तो वो और जो है थोड़ा हाई उस पर करके हिमांक उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है ऑलरेडी जल्दी से बर्फ गल जाएगी। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको हम TF से डिनोट करते हैं, यानी ठीक है ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और T0 यहाँ पर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मेन चीज में वाष्प दाब के बारे में है, हमने वाष्प दाब एलिवेशन में भी बताया था और यहाँ डिप्रेशन में, डिप्रेशन में नीचे की ओर जाना। तो हिमांक का जो अवनमन होता है वो T0 माइनस T होता है, इसको हम डिनोट करते हैं T delta TF से। अब जो है ये हम जानते हैं कि ये जो TF है ना, ये जो हमारा TF है दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है ना। अवनमन इन यानी ये क्या है, और मतलब गिरावट है किसमें, वाष्प दाब में गिरावट। तो जितनी वाष्प दाब में गिरावट होगी उतना जो है TF में भी गिरावट होगी। वाष्प दाब का कम होना यानी अगर वाष्प दाब कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ P0 - PS ये जो सॉल्यूट होता है उसके मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर विलेय जो हम मिलाते हैं, जैसे बर्फ थी उस पर हमने क्या मिलाया, नमक, ठीक, तो उसके वो विलेय का काम किया नमक, है ना। तो क्या होता है कि विलेय का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो वेपर प्रेशर में अवनमन के डायरेक्ट क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर ये वैल्यू घटेगी तो ये भी घटेगी और ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, समझ में आया। अतः जो डेल्टा TF दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स, क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा जो है इनका एक और भी हमारा फॉर्मूला तय है। इस संबंध में हम ज्ञात होता है कि हिमांक का जो अवनमन है वो एक अणुसंख गुण है, ठीक है, अणुसंख गुण है। अब देखिए क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट्स के डिफरेंस को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, ठीक, ये प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तथा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यानी विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, इसी को हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब डिप्रेशन और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। आप देखिए जिस ताप पर, यहां पर ध्यान रखिए, जिस ताप पर किसी पदार्थ की सॉलिड एंड लिक्विड फेज, सॉलिड और लिक्विड फेज, ठीक है, के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉलिड और लिक्विड के इक्वल हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेल्टा TF कहते हैं, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये डेल्टा TF जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के जो है कंसंट्रेशन पे, ये सांद्रण पर, यानी अगर सॉल्यूशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का जो वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। यानी डाइल्यूट है तो उसमें विलय कम होंगे, कंसंट्रेशन कम होगा तो वो जल्दी जो जम जाएगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी जिसमें आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट ज्यादा होंगे, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्लियर। अब देखिए ये जो वेपर प्रेशर, पहले वेपर, ये P0 जो है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना। तो वेपर प्रेशर देखिए यहाँ पे ज्यादा है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ, यहीं तक है,
मेरी इस पे उंगली पे देखिए, यहां से यहां तक, ठीक है, ये जो लाइन तो हमने ऐसे ही ड्रा कर दी थी, क्लियर। तो वेपर प्रेशर किसका कम है, सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, यहां से यहां तक की लाइन देखिए, डॉट 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 लाइन जो है, क्लियर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, ठीक है। आप देखिए, ये जो आपका सॉल्वेंट ए है और ये सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूशन बी में देखिए ये टी नॉट है ना, टी, तो टी हमने यहाँ क्या देखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है कि नहीं, यहां से यहां तक देखिए, या इस लाइन को देखिए, इस लाइन को यहां से डॉट डॉट लाइन नीचे चलते जाइए, यहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट टी कम है ना, और ये टी नॉट किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट आप सॉल्वेंट, अब देखिए यहाँ डॉट 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 करते ऊंचा है कि नहीं, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऊंचा होता है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नीचा होता, कम होता है, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है इसमें वी आर गोइंग टू इवोल्यूट द मोलिकुलर मास, यानी इसमें अणुभारण निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का में जो आर्गन का पाउडर जो सॉल्यूट का काम कर रहा है वो 0.48 ग्राम है, और इसको डिजॉल्व किसमें किया जाए, सॉल्वेंट कौन काम कर रहा है, बेंजीन, तो बेंजीन का भी जो इसमें वेट है वो 10.6 ग्राम है, क्लियर। तो C6H6 में डिजॉल्व करने पर गोमे कितना मिला, डिजॉल्व करने पर फ्रीजिंग पॉइंट में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड की डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है हमें ज्ञात करना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास यानी कौन सा सपोज जो सॉल्यूट घोला गया है उसका अणुभार कितना है। तो ये तो बेंजीन का हमने निकाला था, इसकी कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर निकाल दिया था, क्लियर। अच्छा आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये सॉल्यूट की कितनी दी है, 0.48 ग्राम, फिर यहाँ पर जो वेट दिया है बेंजीन का वो 10.6 ग्राम दिया है, और ये जो हिमांक में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसकी वैल्यू है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लियर सभी के लिए, बेंजीन के लिए, ये किसके लिए है, बेंजीन के लिए C6H6, बेंजीन के लिए जो कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स 1 होता है, या इसको पर मोल भी कहते हैं, क्लियर, ये भी जान लीजिए। तो अब इसको हमको m यानी स्मॉल m दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर वेट, इसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है ये दिस इज द फिक्स फार्मूला, यू कैन इवोल्यूट एनीथिंग, मॉलिक्यूलर मास आप कर सकते हैं, ठीक ना, फ्रीजिंग कांस्टेंट को आप निकाल सकते हैं, सॉल्यूट्स के वेट को निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, और वेट वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, इतनी चीज से निकाली जा सकती है। तो जाहिर सी बात 1000 क्लियर की वैल्यू हमने वहां से यहां रख दिया, और ये हमने वेट रख दिया, टीएफ कितनी थी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे रख दिया, और ये 10.6 है ये किसका वेट है, बेंजीन का, और बेंजीन यहां क्या है, सॉल्यूशन है, यहां क्या है, सॉल्यूशन का काम कर रहा है, इसी में तो घोला जा रहा है इसको। तो जो वैल्यू हमको मिली यानी जो घोला गया जो आर्गेनिक कंपाउंड से उसकी वैल्यू हमें 125.8 ग्राम मिली, क्लियर। देखिए लेट अस स्टार्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे 2.25 ग्राम ग्लूकोज एक सॉल्यूट का काम कर रहा है, का मोलर जो मास है वो 180 डिग्री होता है, ग्लूकोज का आप निकाल सकते हैं, को 25 ग्राम H2O यानी ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट 25 ग्राम जल में सॉल्वेंट का ये वेट है ना, 25 ग्राम जल में डिजॉल्व करने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, टीएफ 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जल के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की गणना कीजिए, ठीक है, जल के मोलर उसकी हमको गणना करना, ये किसका है, H2O का है, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ H2O। तो वैल्यू लग जाते हैं, देखिए ये वही पिछले जो मैंने फार्मूला बताया था, इसमें केवल केएफ को हमने बाहर कर दिया, ठीक है,
और आपको ये फॉर्मूला मिल गया। तो KF के यहाँ पे आपको क्या करना है, KF H2O ये सॉल्वेंट है ना, तो इस TF की वैल्यू वहां से बताओ कितनी है, TF की है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय कितना ये कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू आज कितना है 25 ग्राम, और फिर यहाँ पे बचा क्या है इस वाले में, इस वाले में यहाँ कितना है 180 अपान, ठीक है नीचे कितना है 1000 और ये क्या है इस वाले में वेट ऑफ सॉल्यूट 2.25 ग्राम, क्लियर। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है 25 यहाँ कितना हो जाए चौक हो जाए यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, और जब हम इसको साल आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1.86 ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स 1 तो यही हमारा क्या हो जाएगा KF हो जाएगा, KF किसका H2O का, क्लियर।